दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारत में COVID-19 से संक्रमित यानी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है और मरने वालों की संख्या अपने देश में 1,45,000 से ऊपर हो चुकी है। कहां हम 21 दिनों में इस पर विजय प्राप्त करने वाले थे, आपको याद होगा, कहां यही गया था कि 18 दिन में महाभारत जीता गया, 21 दिन में कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगा भारत अगर सब कुछ ठीक रहा। लेकिन क्या ठीक रहा? न तो लोगों को सही इलाज मिला और न तो एहतियात के तौर पे जितनी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी संक्रमित लोगों की या इन्फेक्शन की, जहां सघनता थी जिन क्षेत्रों में, वहां पर जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हो पाई। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर अमेरिका के बाद देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर है सबसे संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से। और ये दलील भी नहीं दी जा सकती कि छोटे मोटे देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। छोटे मोटे देशों में जिनकी आबादी कम है वहां भले कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कम है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं वहां पर बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका को आप देख लीजिए, लेकिन वो आंकड़ा भी सही नहीं होता क्योंकि चीन की आबादी भारत से ज्यादा है और चीन ने बहुत जल्दी कंट्रोल किया। भारत के बाद ब्राजील है जहां इसी तरह की अव्यवस्था सी रही है और उसका नतीजा ब्राजील को भी भुगतना पड़ा है, लेकिन ब्राजील फिर भी भारत से पीछे है। तो दोस्तों ये जो पहलू उभर कर सामने आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहतरीन इंटरवेंशन उसका कल सामने आया। शुक्रवार की रात को ही 1 करोड़ ये सीमा पार कर गई, संख्या आगे हो गई उससे, और शुक्रवार को ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजों की एक बेंच ने, जस्टिस अशोक भान उसकी अगुवाई कर रहे थे और उसमें जस्टिस आर एस रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह ये 3 लोग थे, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राइट टू हेल्थ में वाजिब रेट पर इलाज भी उस अधिकार में शामिल है। तो COVID-19 यानी कोरोना के दरमियान सरकार ने एक बड़ा सवाल आप सबके हमारे दिमाग में भी उभर कर आता है, भाई मार्च अप्रैल से ही हमारे देश में इतनी सारी घोषणाएं हो रही थी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को आखिर उनको निर्देशित क्यों नहीं किया गया कि COVID-19 के किसी भी पेशेंट के जाने पर आपका क्या आचरण होना चाहिए? आप भर्ती करते ही जो 30 लाख 20 लाख 15 लाख 8 लाख 10 लाख जो जमा करा लेते हैं लोग, एक एक इंजेक्शन 38,000 के हमारे परिचितों को दिए गए। मैं स्वयं आपको बताऊं कि मेरे एक बहुत घनिष्ठ पत्रकार मित्र जब प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे तो उनके परिवार वालों से पूछा गया प्राइवेट अस्पताल की तरफ से कि 38,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, उसे दें कि न दें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीजिए साहब, जान बचाना है। तो ये हालात जिस मुल्क में हों और वो भी राष्ट्रीय राजधानी में, आप छोटे मझोले शहरों की कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो 3 जजों की बेंच है उसकी, उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रोशनी में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो विफलता रही है हमारे तंत्र की, खासकर जो चिकित्सा तंत्र है, कि हमारी सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तो पॉलिटिशियन से लेकर सोशल एक्टिविस्ट न जाने किनको किनको नोटिस दी, किनके किनके ऊपर केसेस बनाई गई, कुछ एक लोगों को तो जेल भी भेज दिया गया, कईयों पर मुआवजा या उन पर चार्जेज लगा दिए गए कि इतना रुपए की वसूली आपसे की जाएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पर कोई बंदिश नहीं, कोई निर्देश नहीं। हाँ, कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ टेस्टिंग को लेकर वगैरह और थोड़े बहुत और भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए प्राइवेट अस्पतालों को, वो अच्छी बात है, लेकिन जो कुल मिलाकर जब देखा गया कि राज्यों के अधिकारों में भी कटौती करके केंद्र ने एक तरह से छीन लिया सारा इनिशिएटिव दिखाने के लिए कि हम ही सब कुछ हैं, और केंद्र ने अगर सब कुछ छीन लिया राज्यों के हाथ से इस मामले में,
तो केंद्र को इंटरवीन करना चाहिए था कि पूरे देश में राज्य सरकारों से कंसल्टेशन करके और प्राइवेट अस्पतालों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि जो इसको वायलेट करेगा सरकारी डायरेक्शन को उसे दंडित किया जाएगा। तो क्यों लाखों रुपए लोगों को देने पड़ते प्राइवेट अस्पतालों में, आप कल्पना कीजिए। तो मुझे लगता है दोस्तों, सरकारी अस्पतालों में जहां पर अव्यवस्था रही, खासकर छोटे मझोले शहरों में, वहां पर प्राइवेट अस्पताल कोविड 19 के दरमियान लूट का अड्डा बन गए, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और ये सबसे बड़ा कारण है टेस्टिंग के अलावा, कि जो टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में और त्वरित ढंग से नहीं हो पाई, उसके अलावा ये सबसे बड़ा कारण है। और मुझे खुशी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिस पर आजकल तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और नागरिकों का ये अधिकार है कि अगर कोई संस्था कहीं लगता है संस्था के बारे में लोगों को कि कहीं कोताही हो है, कहीं कोई कमी है, तो उन्हें अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से और शालीन ढंग से उठाने का अधिकार है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में जो इंटरवीन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकारें निजी अस्पतालों को निर्देशित कर सकती हैं, लेकिन आश्चर्य है कि ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, तो हमारी हफ्ते की जो दूसरी खबर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सीबीआई ने हाथरस मामले में, जो गैंगरेप और मर्डर का मामला था, आप सबको याद होगा, एक दलित परिवार की बेटी के साथ, और उसमें जब ये घटना घटी थी उसकी डेड बॉडी को आनंद फानन में पुलिस ने छीन लिया उसके परिवार वालों से और ले जाकर गांव में आधी रात के बाद उसको जला दिया गया, परिवार वालों की बगैर मौजूदगी के, परिवार वालों की बगैर सहमति के। एक तरह से ऐसा लगा कि उसकी दूसरी हत्या की जा रही है, दूसरी बार उसको मारा जा रहा है, उसकी डेड बॉडी को बाकायदा उसके पार्थिव शरीर को उसके परिजनों की इच्छा के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी हिस्सेदारी के बगैर और जला डाला गया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि बलात्कार नहीं हुआ था लड़की के साथ। मैं ऑफिशियली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एडीजी स्तर के एक बड़े अधिकारी ने, उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता माने जाएंगे एक तरह से, उन्होंने ये बात कही थी और पूरे देश के अखबारों ने छापी। और तो और, एक अखबार ने तो यूपी सरकार के प्रवक्ता को कोट किया न किया वो अलग बात है, उसने अपनी ओर से हेडिंग लगा दी, वो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा हिंदी अखबार कहता है, उसने हेडिंग लगा दी कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और ये भी बताया, वो भी लीड हेडिंग में, कि लड़की की मां और भाई ने हत्या की थी लड़की की। लेकिन अब सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में कह दिया है कि लड़की की हत्या की गई, गैंग रेप किया गया, और वे चारों जो लोग हैं कल्प्रिट्स, उनके बारे में चार्जेस उन्होंने फ्रेम किए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को छोड़ता हूं। दोस्तों, आप सोचिए कि जो सरकार अपने ही समाज में, अपने ही प्रदेश के एक नागरिक की हत्या पर इस तरह की बात कहती है, क्या उस सरकार को नैतिक अधिकार है कि वो आगे कोई भी इस तरह के प्रशासनिक कदम को सूझबूझ के साथ उठा पाएगी? क्या आपको लगता है? मैं इसी सवाल के साथ इस विषय को आज छोड़ता हूं। और तीसरी जो हमारी खबर है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, वो है किसान आंदोलन के बारे में। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और जितने मंत्री हैं, कृषि मंत्री ने तो 8 पेज का एक लेटर भी लिखा है, और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के, इसके पहले गुजरात के किसानों से उन्होंने बात की, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आ चुकी हैं कि वो कौन किसान थे और उनको कौन लेकर आया था। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की किसानों को एड्रेस उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया, वर्चुअल तरीके से, और किसानों को बताया कि जो आंदोलनरत किसान है उनको बरगलाया गया है, उनको, उनके सामने ये राजनीतिक दल जो है झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि तीनों जो कानून है, कृषि कानून, क्या उनमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस उसमें इन्वॉल्व है कि जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, जो बीएमए पास हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह के किसान। अब ये किसान प्राचीन काल के नहीं है, मध्य काल के भी नहीं है, ये आधुनिक काल के किसान है, ये पढ़े लिखे हैं, और क्या ये किसान उन कानूनों को पढ़ करके समझ नहीं सकते?
उन किसान आंदोलनों में एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जो काफी संतुलित, समझदार, इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं। एक एक लाइन कानून की वो किसी बहुत सारे राजनेताओं से बेहतर समझदारी उनकी है, और ये बात समझ में भी आ रही है उनकी बातों को सुनने से। और वहां ये कहा जा रहा है कि बरगलाया गया है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ कौन बोल रहा है, बरगला कौन रहा है? तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसान आंदोलन का 24वां आज दिन है। अब तक 25 लोग, 25 किसान मौत उनकी हुई है, इसमें एक आत्महत्या भी शामिल है, जो एक बाबा राम सिंह ने आत्महत्या की, और उनकी आत्महत्या राज्य के तौर तरीके के एक तरह से प्रोटेस्ट में थी। वो बहुत दुखी थे किसानों की दुर्दशा को देखकर। तो ये मंजर हमारे सामने है, ये परिदृश्य हमारे सामने है, और सरकार कह रही है कि झूठ बोला जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सर्द रातों में जब हजारों लाखों लोग सड़क पर हैं, सरकार इस तरह से तमाशबीन ही नहीं कहिए बल्कि उन पर तोहमत लगाने का जो यह सिलसिला है, ये आश्चर्यजनक है। और अपने देश के मीडिया का जो हाल है वो तो कम आश्चर्यजनक नहीं है। आज ही मैं देख रहा हूं कि दूर के किसी प्रदेश में देश के बड़े नेता जाकर भाषण दे रहे हैं और टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ वही खबर चल रही है। गोया कि न तो अपने देश में कोरोना की जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो न तो 1 करोड़ क्रॉस की है, और न तो किसानों के आंदोलन का 24वां दिन आज खत्म हो रहा है, और अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोई खबर ऐसा लगता है कि हमारे टेलीविजन चैनलों के लिए ये खबर ही नहीं है। तो इस नोट के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.